जिसको भी आपको याद रखना है, एंड हमारा फिजिक्स का काम इसी से चल जाएगा, है ना। तो कुछ हम फॉर्मूला लिखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ देखिए, पहला तो हमारा आएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन, दूसरा डिफरेंशिएशन, हम इसी चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, क्या dy बाई dx। आप चाहें तो d ऑफ एफ एक्स अपॉन dx लिख सकते हैं, और सभी ये इसका भी मतलब यही होता है। पहला अगर मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू साइन x, है ना, तो डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे साइन x का। ध्यान से, अब हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, है ना, हम डायरेक्टली ये ध्यान रखें, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, और ये फॉर्मूला आ जाएगा cos x, यू शुड रिमेंबर। बस अगर मैं लिखता हूं हमारा जो है y इक्वल्स टू cos x, हाँ, तो आप ऑफकोर्स आप dy by dx लिखो, या y तो हमारा sin cos x square कुछ भी हो सकता है, this time हमारा ये है cos x, right? हाँ, and this value ये इतना आता है, समझे ना। और भी कुछ फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड, sin cos tan भी होता है, हाँ? तो डिफरेंशिएशन अगर हम लोग tan x का लिखें, माइंड इट, ये आएगा sec square x, हमें इन सबको याद करना है, है ना। अगर मैं आगे के लिखूं y equals to sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x upon dx, ये इट्स अ नोटेशन, एंड दिस वैल्यू इज sec x into what? tan x. Now, fifth one, y equals to cot x. हाँ, cot x का differentiation जो है हमारा आता है minus cos sec square x. Okay? And अगर हम बात करें कि जो cos sec x है, उसका differentiation cos x का डिफरेंशिएशन, है ना, तो ये आएगा माइनस cos x इंटू cot x, ओके, हाँ। ना और भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखें, ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा के ही लिख दे रहा हूं, हाँ, जैसे हमने लिखा था 6 से 7, है ना, मैंने लिखा था y equals to log e to the x, हम इसको लिखते हैं क्या ln x, differentiation of ln x upon dx is आएगा 1 by x, याद रखिएगा, समझे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें y equals to ex, डिफरेंशिएशन ई एक्स का हमारा यही रह जाता है, ओके ना। अगर आप और आगे लिखेंगे तो देखिए, हमने ये लिखा था, हाँ, डिफरेंशिएशन पावर फॉर्मूला, कुछ भी पावर, ये जो पावर है उससे मल्टीप्लाई, एंड जितना पावर है उसमें से एक कम, वेयर एन कुछ भी हो सकता है, एन इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन बाई थ्री, प्लस माइनस सेवन, मतलब वट एवर कुछ भी चलेगा, इसको हम बोलते हैं एन बिलोंग्स टू आर, कुछ भी प्लस माइनस वट एवर, माइंड इट, ऐसा होना चाहिए, जो रहेगा उसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे और उससे एक और कम कर देते हैं, है ना। ना एक तो और जो फॉर्मूले हैं हम लिखते हैं, देन हम लोग आगे प्रैक्टिस की बात करेंगे। ना
अगर हमारे पास से कुछ कांस्टेंट हो जाए, y equals to say c कांस्टेंट, है ना, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो। हम जानते हैं कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो चेंज होना ही नहीं है, है ना, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, तो ये जीरो। बट अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, जैसे मैं ऐसे लिखूं, हाँ, तो हम लोग चुपचाप सी को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन केवल फंक्शन का होगा, मतलब सी बाहर रहेगा और जो आपका फॉर्मूला है आप यूज करेंगे, राइट। सो दीज आर सम बेसिक फॉर्मूला, ये 11 आप याद रखें, आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसी से हमारा पूरा फिजिक्स में काम चल जाएगा, ओके ना। इसके कुछ रूल्स आते हैं, है ना, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो पहला आता है सम एंड डिफरेंस रूल। हाँ जी, क्या है, तो अगर हम लिखते हैं y equals to fx plus या minus gx, हो सकता है दो फंक्शन प्लस माइनस में है, तो dy by dx क्या करना है, सिंपल सिंपल, पहले आप एक को कर लीजिए, जो बीच में साइन है वो रहने दीजिए, एंड देन अगले को भी कर दीजिए, हाँ, एज पर आवर फॉर्मूला, मतलब ये f dash x whatever प्लस या माइनस g dash x, ओके, हाँ। अगर मैं एक दो एग्जांपल की बात करूं, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज x का पावर 3 प्लस 3 साइन x डीवाई बाई डी एक्स। अब देखिए, हमें पहले इसको करना है x क्यूब को, नाउ आप जानते हो ये कांस्टेंट और मल्टीप्लाई है, आप उसको बाहर ही रखना है और फिर हमें फंक्शन जो है ये करेंगे, हाँ, नाउ ये पावर फॉर्मूला लग जाएगा, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई, जितना पावर है उसमें से कम, प्लस प्लस 3, साइन का क्या होता है फॉर्मूला देख लीजिए, कितना कॉस, सिंपल 3x स्क्वायर प्लस 3 cos x, दिस इज डिवाइड बाय व्हाट, x, बिल्कुल, है ना। नाउ अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू ये x प्लस 1/2, हाँ, देन dy by dx आप बताइए, हाँ जी, है ना, ये सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ dy by dx बताना है, dy by dx लिखते हैं, क्या आएगा, dy by dx, हाँ, x का पावर है 1/2, ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो, प्लस प्लस, ध्यान से 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट, ये पावर 1/2, हाँ, जितना पावर है उसमें से एक कम, और ये तो कॉन्स्टेंट गया, 1/2 x में से 1 minus 2 by 2, हाँ जी, बात बाकी इट्स अ मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, यहां तक डिफरेंशिएशन ओवर, x माइनस 1/2, हाँ, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 by x का पावर 1/2, या आप इस चीज को लिख सकते हो 1/2 root under x, इट्स अ मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, हमारा डिफरेंशिएशन यहां, ओके, नाउ देयर आर सम अदर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लीकेशन का है, डिवीजन का है, एक दो सिंपल सिंपल हम लोगों को करने हैं, एंड
देन हम लोग को